तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसमें सबसे पहले चलते हैं एक एवरेज वैल्यू पे थोड़ा बात कर लेते हैं। पहली बात, एवरेज वैल्यू हमेशा एक इंटरवल में निकाली जाती है ना, नहीं है इंस्टेंटेनियस तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हो गई, लेकिन एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक इंटरवल में निकाली जाती है। क्यों? एन एन इंटरवल। दूसरी बात, ज्यादातर केसेस में जो इंटरवल होता है वो टाइम का होगा। In most of the cases, जो भी इंटरवल होगा वो टाइम का होगा। तीसरी बात, अगर मान लो y फंक्शन ऑफ टाइम हो और मैं कहीं पे ऐसे लिखता हूं इस टाइप से, तो इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू ऑफ y इन द इंटरवल फ्रॉम t1 टू t2। क्यों? इसका ये मतलब होता है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम t1 to t2। वैसे मैं 11th क्लास में इसको रिवाइज करवाता हूँ, वैसे यहाँ पे जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम t1 to t2। फोर्थ, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम t1 टू t2 अगर आपको निकालना है तो आप y की वैल्यू t1 और t2 के बीच में ऐड कर दीजिए। क्यों? और फिर इंटरवल से डिवाइड कर दो ना, मतलब ये हो गया हाँ समेशन ऑफ y फ्रॉम t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन समेशन का मतलब इंटीग्रेशन भी होता है ना, नहीं है? समेशन का मतलब इंटीग्रेशन भी होता है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन y dt फ्रॉम t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1। और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द ग्राफ भी होता है ना, अगर आपको एरिया दे रखा होगा तो एरिया अंडर द ग्राफ भी तो होता है कि नहीं होता, बताओ। जो है तो इसका मतलब ये भी हो गया एरिया अंडर वाई टी ग्राफ। अपॉन t2 माइनस t1। सो हम बता बेटा, समझ में आया नहीं आया? एक्चुअल में एवरेज वैल्यू की अभी रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले मैं वो पढ़ा दे रहा हूँ एवरेज वैल्यू क्या होती है, एक बार दोबारा देख ले। सबसे पहली बात, एवरेज वैल्यू किसी इंटरवल में फाइंड की जाती है, ज़्यादातर केसेस में वो इंटरवल टाइम का होगा। और अगर मान लो वाई टाइम का फंक्शन है और तुम्हें t1 और t2 के बीच में एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो आप करते क्या हो कि y की वैल्यू को ऐड कर लेते हो t1 और t2 के बीच में और फिर इंटरवल से डिवाइड कर देते हो। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन भी होता है, इसका मतलब y को इंटीग्रेट कर दो t1 से t2 तक और इंटरवल से डिवाइड कर दो। और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द ग्राफ भी होता है, तो आप एरिया फाइंड कर लो y t ग्राफ
आपका टी वन और टी टू के बीच में और इंटरवल से डिवाइड कर दो, ये हो गया राइट। अब लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, सबसे पहली बात अगर y कांस्टेंट हो मान लो c कह लो तो फिर किसी भी इंटरवल में एवरेज जो वैल्यू आएगी वो उसी कांस्टेंट के इक्वल आएगी ना, नहीं होता। अगर y कांस्टेंट हो तो किसी भी इंटरवल में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो उसी कांस्टेंट के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी बताओ जाए। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ y इन एनी इंटरवल इज इक्वल टू c। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो y है ना, गुड इवनिंग गुज्जर, यहाँ पे जो y है वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है या वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझ में आ गया बताओ उज्ज्वल? टाइम इंटरवल चेंज हो गया है बेटा, टाइम इंटरवल नहीं सॉरी क्लास ड्यूरेशन थोड़ा चेंज हो गया है, 5 to 6:15 रहेगा। अगस्त में थोड़ा ज्यादा छुट्टियां ना मेरी, तो इसलिए मैंने थोड़ा बढ़ा दिया बेटा। तो समझ में आ गया बताओ जो है कि y स्केलर हो या फिर वेक्टर हो तो वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब दूसरी बात देखो, अगर y लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम हो, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम हो अब वो, लेकिन लीनियर फंक्शन एक चीज का ध्यान रखना, मतलब एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो ना, नहीं है। अब वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो भी सकती है, मतलब y इक्वल टू सिंपली m इंटू टी हो सकता है, या y इक्वल टू m इंटू टी प्लस सी भी हो सकता है। तो अगर लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम हो तो फिर जो एवरेज वैल्यू ऑफ y होती है t1 से t2 तक, वो आती है y फाइनल प्लस y इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। फिर तुम सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो, या कह लो y एट t2 प्लस y एट t1 डिवाइडेड बाई 2, ये कर सकते हो। समझ में आ गया, ये लीनियर फंक्शन का हो गया। अब चलते हैं तीसरी बात, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी एक पूरे इंटरवल में 0 से लेकर कैपिटल टी तक, ये जीरो आएगा, क्यों नहीं है? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी जीरो से लेकर टी तक क्या होगा, जीरो होगा। और इसको ऐसे देख सकते हो ना, जैसे ये है, ये साइन ओमेगा टी है मान लो, और ये टी है, तो एक इंटरवल ये हो गया, क्यों ये हो गया। अब बताओ जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है ना, तो नेट एरिया कितना हो गया बताओ जो है, नेट एरिया जीरो आ गया, क्यों? आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा इसको अगर मैथमेटिकली तुम्हें प्रूव करना है ना, तो बताता हूं कैसे करोगे। देखो ये बताओ, इंटीग्रेशन वाई डी टी फ्रॉम जीरो टू टी अपॉन टी, ये जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ,
ये बताओ ये जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ, जो है इंटीग्रेशन वाई डी टी फ्रॉम जीरो टू टी अपॉन टी। तो घर में ट्राई करके देखना, इस वाई को ना तुम साइन ओमेगा टी रख देना, और जहां पे टी रखना है उसको टू पाई अपॉन ओमेगा रख देना। इसको ट्राई करके देखना तो ये वैल्यू जीरो निकल के आएगी, ये हो गया कैलकुलेट। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हाफ होती है, ये फिर जीरो नहीं होती, ध्यान रखना। इसको कैसे निकालते निकालते भाई दे, अच्छा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे बनता है ना, अगर तुम देखोगे ये होगा क्या, ये बनता है ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ, ये बनता है क्यों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी वर्सेस टी। अच्छा ये भी एक इंटरवल की बात कर रहा हूँ, जीरो से टी का। फिफ्थ, अब ये बताओ ये साइन ओमेगा टी है, ये टी है और ये कॉस ओमेगा टी है और ये टी है, ये बताओ अगर मैं एवरेज वैल्यू केवल यहां से यहां निकालूं तो बताओ जीरो आएगी क्या वैल्यू, सोम बता, अगर मैं साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जीरो से टी बाई टू तक निकालूं तो क्या जीरो आएगी बेटा, ये बता, नहीं आएगी ना। ठीक, तो वो कितनी आती है वो ध्यान रखना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू, ये जो आती है ना वो टू अपॉन पाई आती है, ध्यान रखना, जो अप्रोक्सीमेटली 0.636 होती है। इसी टाइप से अगर तू दूसरे वाले ग्राफ में देखेगा तो यहां से लेके यहां तक, ये ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक ये वाला टाइम वैसे बाय द वे कितना होगा, देख ध्यान से देख, इस वाले उसमें देखेगा तो ये हो गया 3t/4, नहीं 1, 2, 3, हाँ 3t/4 और ये हो गया 5t/4। तो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी कहां से कहां तक बता जाए, 3t/4 से 5t/4, ये भी 2/π आती है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तन में बता बेटा जो है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा। इस वाले में अगर देखेगा ना तो इसमें एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आएगी, ये वाले इंटरवल में। पीयूष तेरे समझ में आ रही है बेटा, ये बता इसमें भी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आएगी बेटा, ये वाले में जो है एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आएगी, ये ध्यान रखना बेटा जो है। ठीक, अच्छा वैसे बाय द वे इसको निकालता कैसे, फिर वही वाली बात है ना कि इसको फाइंड कैसे करेगा, तू ऐसे कर देना इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू अपॉन टी बाई टू, ये फाइंड करके देखना, या इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डी टी जीरो टू टी बाई टू अपॉन टी बाई टू, सॉरी ये हो जाएगा कितना 3t/4 से, क्यों 3t/4 से 5t/4, ये जब वैल्यू फाइंड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएंगी बताओ, ये दोनों वैल्यू निकल के आएंगी 2/π
जो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी 0.636 होगी। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों नहीं है? अब समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी ना बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, जो पूरा करेक्ट नहीं है, बुक्स में कुछ ऐसे लिखा होता है कि साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी उसकी हाफ साइकिल में, एवरेज वैल्यू 2/π होती है, जो पूरा करेक्ट नहीं है। ध्यान रखना बेटा, जो है हाफ साइकिल क्या होना चाहिए, पूरा करेक्ट क्या है बेटा, हाफ साइकिल कौन सा होना चाहिए बताओ, जो है हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल होना चाहिए, सही ये है। क्यों? समझ में आ रहा बताओ, बिल्कुल सही सेंटेंस क्या है बताओ, जो है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2/π होगी। इवन क्या होगा, इनकी हाफ साइकिल में ना वैल्यू जीरो भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। मतलब साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी, इनकी हाफ साइकिल में वैल्यू में भी जीरो आल्सो। अब देखो कैसे, जैसे ये साइन ओमेगा टी है, ये टी है, ये सब अभी काम आएगा ना जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें। ये बताओ, अगर मैं ये वाला हाफ साइकिल लूं यहां से लेके यहां तक, तो बताओ एवरेज वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं आएगी? ये बताओ, अगर मैं इंटरवल यहां से यहां तक लूं बेटा जो है, तो एवरेज वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं आएगी बताओ? जितना प्लस में है उतना ही माइनस में। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया बताओ जो है, समझ में आ गया ना? और बाय द वे ये वाला टाइम कितना होता है, देखो ये वाला टाइम होता T/4 होता, क्यों? ये तो होता T/4, और ये वाला टाइम कितना होता 3T/4 होता, क्यों 3T/4 होता ना? घर में थोड़ा मैथ्स करके ट्राई करके देखना। तुम एक काम करना, साइन ओमेगा टी डी टी T/4 से लेके 3T/4 तक निकालना, और नीचे चलो T/2 रख देना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसको चेक करके देखना, वो जीरो आएगी वैल्यू। ये कह लो, आई बात समझ में? ठीक, एक और देखो, 6 पॉइंट। अच्छा, कभी कभी ना एवरेज वैल्यू के कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, अगर तुम देखोगे ना एवरेज वैल्यू के, अगर तुम देखोगे कभी तो कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जो फॉर्मूले तुम्हारे रिपीट होते हैं वो बता देता हूँ। जैसे देखो ये बताओ, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, याद आ गया होगा। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम एक्सेट्रा। बताओ समझ में आई बात नहीं आई? सोहम बता बेटा जो है, तो एवरेज वाली के कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, ये कह लो जो है। 7 पॉइंट, एक यहाँ पे ना 1/√2 बहुत आएगा, तो ये ध्यान रखना 1/√2 जो होता है वो 0.707 होता है, और 2/π कितना निकल के आता है 0.636।
ये हो गया एट्थ। ये बताओ अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कहूं, मान लो फुल साइकिल में, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। मान लो मैं ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की फुल साइकिल में वैल्यू कहूं कितनी होगी एवरेज वैल्यू, तो बताओ कितनी आनी चाहिए। हाँ ए बाई टू आनी चाहिए, क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू आएगी ना बेटा एक्चुअल में, तो इसकी एवरेज वैल्यू आएगी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, जो है इसकी एवरेज वैल्यू आएगी ना, ये कह देते हैं। अब एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो सारी बातें। वाई अगर टाइम का फंक्शन है तो टी वन और टी टू के बीच में जो एवरेज वैल्यू होती है, अच्छा एवरेज वैल्यू पहले तो इंटरवल में निकाली जाती है, ज्यादातर केसेस में वो इंटरवल टाइम का होता है। अगर y t का फंक्शन है और t1 और t2 के बीच में तुम्हें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो तुम क्या करते हो, t1 से t2 के बीच में y की सारी वैल्यूज को ऐड करते हो और फिर इंटरवल से डिवाइड कर देते हो। पहला ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना भी होता है, तो तुमने y को इंटीग्रेट कर दिया t1 से t2 तक और इंटरवल से डिवाइड कर दिया, ये भी सही हो गया। अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है, तो तुमने अगर ग्राफ दिया हुआ है तो तुम एरिया निकाल लोगे अपॉन इंटरवल से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। ये तो जनरल मेथड हो गया। अब मैंने कुछ स्पेशल केसेस कहे थे कि अगर मान लो वाई की वैल्यू कांस्टेंट है तो ऑब्वियस ही बात है किसी भी इंटरवल में अगर तुम एवरेज वैल्यू निकालोगे तो फिर वो उसी कॉन्स्टेंट के इक्वल होगी, ये हो गया। दूसरा अगर वाई लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम हो, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, अब वो ग्राफ ओरिजिन से पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो फिर जो एवरेज वैल्यू होती है वो सीधे सीधे फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू अपॉन टू के इक्वल होती है, ये भी क्लियर हो गया होगा। और मैंने तुमसे कहा साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की एक पूरे साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होगी वो जीरो होगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की पूरे साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होगी वो हाफ होगी, और साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ में ध्यान रखना, पॉजिटिव हाफ में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो टू अपॉन पाई आएगी, लेकिन किसी हाफ साइकिल में वो वैल्यू जीरो भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि इंटरवल तुम्हारा कहां से कहां तक का है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा किसी को, पीयूष तू बता, जो अभी तक बताया उसको कोई डाउट है तो बता बेटा, बता बेटा डाउट है कोई, उज्जवल तू ही बता दे, तू ही बता दे कोई डाउट है तो। अबे तेरे को सांप सूंघ गया था ये बता दिया, अच्छा सोच रहा है, कोई डाउट है तो बोल फिर बेटा। अभी आया था मैं रुद्रपुर, मैंने तेरे को माफ कर दिया इस बार, समझ गया, ब्रेकफास्ट मैंने अपने दोस्त के ही वहाँ लिया था, हाँ ब्रेकफास्ट दोस्त के ही वहाँ लिया था मैंने जो है। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं, सुनो ये मेरे ख्याल से मैंने उस समय भी करवाया होगा तुम्हें, आई थिंक एवरेज को समझने का सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटा जो है, वन डी मोशन है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन मैंने कहा एवरेज वैल्यू हमेशा इंटरवल में होती है जीरो से लेके टी तक। क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से, वन डी मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जीरो से टी इंटरवल तक। सबसे पहले मेथड वन देखो, एवरेज वेलोसिटी का तो एक फॉर्मूला ही होता है सीधे सीधे, तो पहले फॉर्मूला ही लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया।
अब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर क्यों अपॉन टी कर दिया, तो फिर यू प्लस हाफ टी आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मेथड वन समझ में आई बेटा? जो एवरेज वेलोसिटी का तो सीधे फॉर्मूला ही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो गया बस यू प्लस हाफ टी। अब दूसरा चलते हैं, देखो मेथड। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखूं, इंस्टेंटेनियस तो u प्लस एटी हुआ ना, बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस एटी हो गया कि नहीं हो गया बताओ जो है, ठीक है। और ये जरा देखो, ये लीनियर फंक्शन हो गया, तो लीनियर फंक्शन में मैंने तुम्हें कुछ बताया था नहीं? लीनियर फंक्शन में क्या बताया था बताओ जो है? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो? फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय टी, सॉरी डिवाइडेड बाय टू। क्यों ये बताया था ना मैंने लीनियर फंक्शन में, ये बताया था एवरेज फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय टू। अब देखो फाइनल वैल्यू कब होगी, वेलोसिटी एट टाइम टी, और इनिशियल वेलोसिटी कब होगी, वेलोसिटी एट जीरो अपॉन टू। अब देखो टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, यू प्लस एटी है, और जीरो टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, u अपॉन टू। तो जरा देखना ये भी u प्लस हाफ एटी आ गया या नहीं आ गया बताओ, बताओ स्वयं समझ में आ गया बेटा? मेथड टू समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा जो है? ये हो गया बेटा जो है, मजा आया कि नहीं आया ये बता। फिजिक्स तो बाद में चलती रहेगी, फिजिक्स का क्या है जो है, फिजिक्स तो जो है कई लोग पढ़ते हैं किताबों में भी लिखी है, YouTube में भी मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी, तो वो कोई वो बड़ी बात नहीं है बेटा जो है, मजा आना चाहिए बस, ये है जो है। तो समझ में आ गया मतलब, मेथड टू ये हो गई जो है। अब चलते हैं मेथड थ्री, जनरल मेथड में चलते हैं। अगर मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ v निकालनी है जीरो से t तक, क्यों, तो इंटीग्रेशन v dt कर दो, ये तो जनरल मेथड है ना, इंटीग्रेशन v dt जीरो से t अपॉन t। समझ में आया? लेकिन यहां पे जो v होगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, यहां ध्यान रखना बेटा जो है, दोनों में अंतर है। तन्मय बता बेटा, तेरे समझ में आई बात नहीं आई? समझ गया ना, यहां पे जो v है वो क्या है बता, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, कितनी बता जो है, u प्लस at है। समझ गया ना, यहां पे क्या है, इंस्टेंटेनियस है, और यहां पे जो v है वो एवरेज है, दोनों में डिफरेंस है जो है, तो इसको तू इंटीग्रेट करके देख क्या होगा, देख u प्लस at इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेके टी तक अपॉन टी, तो जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो वही आएगा, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ही आएगा ना वैसे भी, क्यों वो वही आएगा, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ही तो आएगा जब इंटीग्रेट करोगे बेटा जो है, तो अपॉन टी आ गया, तो फाइनली वो यू प्लस हाफ टी आ गया। समझ में आई बात या नहीं आई बेटा, ये बताइए, बताओ समझ में आ गई? और वैसे भी एक छोटी सी बात थी ना, देखो छोटी सी बात ये थी कि जब तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हो, ये बताओ जब तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट ही तो मिलता है, वैसे भी देखो ना जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है,
और डिस्प्लेसमेंट कितना होता बताओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वैसे भी ना सिंपल सी बात है कि ये कितना रहा होता बताओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रहा होता है। ये एक बार और रिपीट करूंगा बस, इसके बाद में एवरेज वैल्यू हमेशा किसी इंटरवल में निकाली जाती है, पहला पॉइंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंटरवल टाइम का होता है। तीसरी बात, अगर वाई टी का फंक्शन और तुम्हें टी वन और टी टू के बीच में एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसके बीच में वाई की सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया जाता है और फिर इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाता है, या वाई को इंटीग्रेट कर दिया जाता है और इंटरवल से डिवाइड होता है, या वाई और टी का एरिया निकाल लिया जाता है उसको इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाता है। वाई अगर कॉन्स्टेंट है तो किसी भी इंटरवल में एवरेज वैल्यू उस कॉन्स्टेंट के इक्वल होगी। वाई अगर लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर जो एवरेज वैल्यू आती है वो आती है फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम। साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की पूरे साइकिल में, एक पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू जीरो आती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एक पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू हाफ आती है। साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू टू अपॉन पाई आती है, जो 0.636 के इक्वल होगा। लेकिन साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू जीरो भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि तुमने इंटरवल कौन सा सिलेक्ट किया है। और एवरेज वैल्यू के कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, नहीं एवरेज वैल्यू के कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज पावर एक्सेट्रा। और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल कराया कि 1D मोशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन में 0 से लेकर टी तक तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। तीन अलग अलग मेथड से मैंने करके बता दिया तुम्हें, और लास्ट में एक चीज और बताई कि 1/√2 की जो वैल्यू है वो आएगी काफी अभी 0.707 होती है। अब बता दो, किसी को डाउट है तो बोल दो, नहीं तो फिर चलते हैं बेटा। बताओ बेटा, बताओ बताओ, कोई डाउट है तो, क्योंकि बाद में मुझे ना वो सब चीजें पसंद है नहीं, तुम जानते ही हो, पुरानी आदत है मेरी। चलो अब चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सो फार तुमने डीसी पढ़ी है बेटा, जो है डायरेक्ट करंट, और मजे की बात यह है कि वो फ्रॉम डीसी ही पढ़ी है बेटा, जो है ना। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो है। अरे बेटा, एक बार तो इतना जोरदार घटना हुई ना, तुम यू विल नॉट बिलीव, जो है सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जो है ऐसा हुआ कि उस समय डीपीएसआर के फ्रॉम दिल्ली में, वहाँ पे आईटी की क्लासेस चलती थी, तो ऐसे हुआ कि 2-3 टीचर होते थे ना फिजिक्स के, कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ था, पता नहीं, अब बहुत पुरानी बात है, याद नहीं मेरे को। तो मैंने जैसे एसी जब पढ़ाना था ना, तो एसी में दूसरे टीचर आने वाले थे, तो उनका नाम मेरे ख्याल से अमित चौहान या कुछ ऐसे था बेटा, जो है ना, तो उनका एसी ही पढ़ गया था, जो है चांस की बात है। तो मैं लास्ट में क्लास में बोल के गया, मैंने कहा देखो अभी तक तुमने डीसी पढ़ी थी और डीसी से पढ़ी जो है, और अब तुम एसी पढ़ोगे जो है, तो टीचर भी तुम्हारा देखो चेंज हो गया, एसी जो है एसी टीचर आएंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई थी, बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर गया तो दोनों चीज। तो एनीवे, डीसी में देखो क्या होता है बेटा, जो है डीसी में सबसे पहली बात, अगर मैं करंट कहूं ना, तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो दोनों फिक्स रहते हैं, बताओ क्लियर है कि नहीं है।
ऐसे ही तो होता है। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है, करंट का क्या होता है, फिक्स रहता है। या दूसरी बात, अच्छा जो करंट का सोर्स है वो ईएमएफ है ना? नहीं, करंट का अल्टीमेटली सोर्स क्या बताओ, ईएमएफ है। तो ईएमएफ का एक तो मैग्नीट्यूड होगा, और एक उसकी पोलरिटी होगी। क्यों? वो फिक्स रहती है, बताओ क्लियर है कि नहीं है? बच्चों वाली बातें होती हैं बेटा, वही मिल मिल के बड़ी बनती हैं फिर जो है। तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? डीसी में क्या होता है बेटा, जो है करंट की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, और करंट का जो सोर्स है जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और पोलरिटी क्या होती है, फिक्स होती है। अब दूसरी बात, एसी में क्या होगा, डायरेक्शन एक साथ ही लिख देता हूं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आई। पोलरिटी ऑफ ईएमएफ, या मैग्नीट्यूड्स ऑफ ई और आई, ये चेंज होते रहेंगे। क्यों? बताओ क्लियर है या नहीं है? समझे ना, एसी में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, पोलरिटी ऑफ ईएमएफ, या मैग्नीट्यूड्स ऑफ ई एंड आई क्या होते हैं, चेंज होते रहेंगे। या मैं इनको एक काम कह दूं अगर, या ई और आई ये फंक्शन ऑफ टाइम होंगे, बताओ बात एक ही हो गई ना, कि अगर मैं ये कह दूं कि ई और आई फंक्शन ऑफ टाइम होंगे, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, क्लियर हो गया होगा, ठीक। लेकिन अब टाइम के तो इनफाइनाइट फंक्शन पॉसिबल है ना, ये बताओ इनफाइनाइट फंक्शंस पॉसिबल हैं या नहीं है? भाई मैं आई इक्वल टू 2t कह दूं तो वो भी एक फंक्शन हो गया, आई इक्वल टू 4t स्क्वायर कह दूं वो भी एक फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं जो है। तो हमारे सिलेबस में जो फंक्शन होंगे वो साइनोसॉइडल होंगे बेटा जो है, ये ध्यान रखना। इन अवर सिलेबस वो जो फंक्शन होंगे, दोज फंक्शंस वो साइनोसॉइडल होंगे। और साइनोसॉइडल का मतलब वैसे बाय द वे कौन सा होता है बेटा, ये बताओ जो है, साइन और कोसाइन। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, ये बताओ। उज्ज्वल समझ में आया कि डीसी में करंट की डायरेक्शन, ईएमएफ की पोलरिटी, और ईएमएफ और करंट का मैग्नीट्यूड वो फिक्स रहते हैं, एसी में चेंज होते रहते हैं, या कह सकते हो टाइम के फंक्शन हो गए। लेकिन टाइम के इनफाइनाइट फंक्शंस हो सकते हैं, भाई कौन सा फंक्शन है अल्टीमेटली? तो मैंने तुमसे कहा कि हमारे सिलेबस में वो क्या होंगे, साइनोसॉइडल होंगे। साइनोसॉइडल का मतलब साइन या कोसाइन फंक्शंस होते हैं, ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा तुम्हें जो है। अब चलते हैं तीसरी बात, इसका मतलब फाइनली ये हुआ कि ई और आई ये साइनोसॉइडल फंक्शन हो गया हमारे सिलेबस में, साइनोसॉइडल हो गया। लेकिन इन दोनों फंक्शंस में एक फेज डिफरेंस होगा, ये ध्यान रखना।
फेज डिफरेंस विल बी देयर. और इसको मैं फाई कह देता हूं लेट. अब फेज डिफरेंस क्या चीज होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये लोग हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं एसएचएम में या वेव में पढ़ते हैं, समझ गए ना. फेज डिफरेंस को हम डिटेल में कहां पे पढ़ते हैं बेटा जो है, कि फेज डिफरेंस क्या चीज होती है जो है, इसको हम एसएचएम या वेव में पढ़ते हैं. तो इन दोनों फंक्शन के बीच में एक फेज डिफरेंस होता है कितने का, फाई क्या कहलो. अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट. अब ये जो फाई होता है ना, ये ध्यान रखना बेटा जो है, ये लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना बस. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टार्ट होगा, मतलब फाई कभी भी 100 डिग्री नहीं होगा, ध्यान रखना. तो जो भी ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो किस किस के बीच में रहता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में. फिफ्थ, अब हाउ एसी इज प्रोड्यूस्ड. इसके लिए तुम्हें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. तुम्हें याद है ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था बेटा, मैंने वहां पे बताया था तुम्हें, और इस कॉइल को अगर मैं मान लो ओमेगा से घुमाता हूं, ये ईएमआई में मैंने बता रखा है तुम्हें, ये बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ. इसको अगर मैं ओमेगा से घुमाता हूं तो इसमें एसी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, याद आ रहा है. याद आया या नहीं आया बताओ, ईएमआई के चैप्टर में किया हुआ हमने, बताओ. इसको जब मैं ओमेगा से घुमाता हूं तो एसी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये हमने ईएमआई के चैप्टर में किया हुआ बेटा जो है. और वो कुछ इस टाइप से होता है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कह लो, और यहां पे जो ई नॉट होगा ये होता था बी ओमेगा एस. याद आया या नहीं आया बेटा ये बताओ. एस एरिया ऑफ लूप है, तो ये ऐसे प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान रखना है, समझ गए ना, इस टाइप से प्रोड्यूस होता है. अब चलते हैं सिक्स पॉइंट में. इन साइनुसाइडल एसी, करंट या फिर ईएमएफ की सोच लेंगे पहले. चार वैल्यूज होती है, दोबारा सुन लो. साइनुसोइडल एसी में करंट या फिर ईएमएफ की चार वैल्यूज होती है, कौन कौन सी देखो. फर्स्ट, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक तरीके से फंक्शन ऑफ टी भी हो गए ना, क्यों,
तन्मय बता बेटा जो है, ये बता इंस्टेंटेनियस का मतलब एक तरीके से फंक्शन ऑफ टी भी हो गया ना, तो मतलब कुछ ऐसे नहीं होगा, ये बता जो है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर ई कहूं तो फिर ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। बताओ ये पहली वैल्यू ये हो गई कि नहीं हो गई, बताओ जो है। एक तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, क्यों ये आ गई इतना कह लो। और फाई मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया कि फाई किस किस के बीच में होगा, फाई लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एक तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। अब चलते हैं सेकेंड, बच्चों वाली चीज है, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं तुम सोच रहे हो पता नहीं सर क्या पढ़ाने वाले हैं, नहीं है। कई बार जैसे ऐसे लिखे ना फोर वैल्यूज, तो तुम्हें लगा पता नहीं कितने हाई फाई चीज बताएंगे, फोर वैल्यूज कौन सी हाई फाई चीज बताएंगे, तो ऐसी कोई नहीं है। हाँ सेकंड जो वैल्यू है वो पीक वैल्यू है बेटा, जो है पीक वैल्यू। असल में वो जादूगर करते हैं ना, वो काम तो जादूगर करते हैं, छोटी सी चीज को जो है बड़ी बना के जो है, समझिए ना, मुझे टीचर नहीं करते जो है। तो पीक वैल्यू क्या हो गई बताओ जो है आई नॉट या ई नॉट, बताओ ठीक है कि नहीं है। ये था पीक वैल्यू कितनी होगी, था आई नॉट या ई नॉट होगी। और ई नॉट मैंने तुम्हें बता ही दिया, ई नॉट क्या है बेटा जो है, ई नॉट हो गया बी ओमेगा एस आ गया, क्यों, जहां से एक्चुअल में एसी प्रोड्यूस होती है वहां पे बी ओमेगा एस हो गया। और आई नॉट कितना हो गया बताओ जो है, बी ओमेगा एस अपॉन एक तरीके से रेजिस्टेंस हो गया। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो, बताओ बेटा समझ में आई बात। अब चलते हैं थर्ड, एक होती है एवरेज वैल्यू। अब समझ में आया एवरेज वैल्यू क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा जो है, क्यों पढ़ाई मैंने ये बताओ। हाँ समझ गया, ऐसे दूर की सोचता हूँ बेटा मैं जो है। तुम सोच रहे हो कि पता नहीं सर क्या एसी शुरू करने से पहले क्या पढ़ा दिया सर ने जो है, इसलिए किया बेटा जो है एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू किस पे डिपेंड करती है जरा बताओ, डिपेंड्स अपॉन इंटरवल। हाँ डिपेंड्स अपॉन इंटरवल, अब मुझे बताते हुए चलना ठीक है, अब मुझे तुम लोग खुद ही बताते हुए चलना, पानी पी लें दो पहले। आई मैंने लिया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब आई वर्सेस टी ऐसे बना। अब एवरेज वैल्यू बताते हुए चलना, एवरेज वैल्यू ऑफ आई फुल साइकिल में कितनी होगी बताओ, गुड इंटेलिजेंट। अब बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम 0 to T/2, ऊपर देखते हुए चलो, बिल्कुल सही कहा, ये होगी 2 upon pi into I0 कहेगा तो मुझे ज्यादा बढ़िया लगेगा बेटा, समझ गए ना, 2 upon pi into I0 कहेगा तो ज्यादा बढ़िया लगेगा जो है, ये हो गया। और बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम टी बाई फोर टू 3T/4 बताओ कितनी होनी चाहिए। हाँ ये 0 होनी चाहिए। देख तन्मय ये बता, ये अभी मैंने बताया था ये वाले इंटरवल में एवरेज वैल्यू कितनी दे दी बता, अब बता इसमें मैंने कितनी बताई थी एवरेज वैल्यू तन्मय,
में बता बेटा इसमें कितनी बताई थी एवरेज वाली मैंने, 2/π बताई थी ना, 2/π बताई थी, लेकिन साथ में ये आई नॉट भी तो है, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बता जो है। अब बता समझ में आया कि नहीं आया, और ये बता ये वाले इंटरवल में समझ में आया तन में, ये बता ये वाले इंटरवल में समझ में आया कि नहीं आया, टी बाई फोर से लेके 3t/4 तक बता जो है, क्योंकि t/4 ये होता ना, t/4 ये होता और ये होता 3t/4। अच्छा एक इंटरवल तुमने अगर बता दिया ना तो समझ लो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा जो है, बहुत खुश हो जाऊंगा अगर तुमने एक इंटरवल बता दिया तो। एवरेज वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम t/4 टू t/2 बताओ ये कितना होना चाहिए, तब मानूंगा बेटा बताओ, तब मानूंगा कि तुम्हें समझ में आ गई सारी बात अच्छी तरीके से। दे लो t/4 से t/2 तक कितनी होनी चाहिए एवरेज वैल्यू, बस बेटा यही तुम गलती कर जाते हो, तुम लोग यही गलती कर जाते हो बेटा। ये भी अभी 2/π (I0) ही होगी, बताता हूं क्यों। देखो जब तुमने ये लिया और इसका एरिया मान लो ए है और ये t/2 है, तो इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू आई वो a/t/2 आई और वो 2/π (I0) आई। लेकिन अब अगर मैं ये वाला इंटरवल लूं तो चलो इसका एरिया a/2 आ गया, लेकिन ये जो इंटरवल आया t/4 आया, तो अब बताओ एवरेज वैल्यू वो a/2/t/4 होगी। बताओ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ बेटा, जो तन में बता बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया, तो जरा देखना ये वैल्यू भी ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है बता जो है, ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है बता जो है, ये वैल्यू भी कितनी होगी बता, 2/π (I0) होगी। पीयूष तू बता बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया, ये तो सब ऐसे ही है बच्चे, तू बता तेरे समझ में आई कि नहीं आई बात बता बेटा जो है, तू बता समझ में आ गया ना भाई। सिंपल सी बात है, अगर तू यहां से यहां गया तो अगर एरिया हाफ हुआ तो फिर जो इंटरवल हुआ वो भी तो हाफ हो गया, ये कह लो बस हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एवरेज वैल्यू डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है बेटा जो है, एवरेज वैल्यू डिपेंड करती है इंटरवल तुमने कौन सा लिया है, तो ये इंटरवल अच्छी तरीके से देख लेना ठीक। लेकिन यहाँ पे एक नोट मैंने तुम्हें मेरे ख्याल से लिखवा दिया था ना, कि अगर तुमसे एवरेज वैल्यू पूछ ले, मान लो केवल पूछ ले एवरेज वैल्यू ऑफ आई कितनी हुई, और इंटरवल दिया नहीं है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन सही नहीं है वैसे, एवरेज वैल्यू ऑफ आई अगर तुमसे पूछे इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो फिर 2/π वाला आंसर दोगे बेटा, तो फिर तुम कह दोगे 2/π (I0) दोगे आंसर। उज्जवल तेरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात बेटा जो है, ये पहले ये बताइए, ये जो तुम गलती कर रहे थे ये आगे से तो नहीं करोगे, ये बताओ ये गलती तुम जो कर रहे थे ये आगे तो नहीं करोगे बेटा जो है, कि अगर एरिया हाफ हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इंटरवल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जो है, तो सेम रहेगा। तो ये एवरेज वैल्यू भी बता दी मैंने तुम्हें तीसरी, अब चलते हैं फोर्थ क्या होती है।
फोर्थ होती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ये काफी हद तक हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी बोलते हैं ना, नहीं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं, पहले हम फंक्शन को स्क्वायर करते हैं, फिर उसकी मीन या एवरेज वैल्यू निकालते हैं और फिर उसका रूट निकाल लेते हैं। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ जो है स्क्वायर द फंक्शन। पहला ये होता है क्यों, फिर उसकी टेक, हाँ मीन और एवरेज वैल्यू, और उसके बाद टेक रूट। याद आया या नहीं आया बताइए। तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, और रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले तुम फंक्शन को स्क्वायर करो, फिर उसकी मीन या एवरेज वैल्यू निकालो, और फिर तुम अंडर रूट कर दो। क्यों, इसका मतलब अगर मुझे आईआरएमएस निकालना है तो ये बताओ दिस इज अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू टी। बताओ ये सही है या नहीं है, बताओ बेटा। आई आर एम एस का मतलब ये होगा आई स्क्वायर इतना बेटा जो है। अब सुनो, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का मतलब आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जीरो टू टी ये हो गया। अच्छा इसमें से ये जो आई नॉट है ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये आ गया आई नॉट अंडर रूट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जीरो टू टी और ये वैल्यू मैंने कितनी बताई थी तुम्हें, ये बताओ ये वैल्यू कितनी बताई थी बेटा, ये वाली वैल्यू मैंने बताई थी हाफ। इसका मतलब आई आर एम एस कितना हो गया बताओ जो है, आई आर एम एस हो गया आई नॉट अपॉन रूट। समझ में आया या नहीं आया बेटा ये बताओ जो है। और ई आर एम एस भी अगर देखोगे तो ये ई नॉट अपॉन रूट टू होगा बस। तो पॉइंट क्लियर हो गया, एसी में ई या आई की चार वैल्यूज होती है, एक तो इंस्टेंटेनियस हो गई मतलब टाइम का फंक्शन क्या, एक पीक वैल्यू हो गई आई नॉट या ई नॉट, एक एवरेज वैल्यू हो गई, लेकिन एवरेज फिर साइकिल पे डिपेंड करेगी भाई कौन सा एवरेज की बात कर रहे हो। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो पॉजिटिव साइकिल वाला लेते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला मतलब 2 अपॉन पाई कर देते हैं, और एक आरएमएस वैल्यू हो जाती है, समझे ना, एक हो जाती है आरएमएस वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ी चुके हैं वो आई नॉट अपॉन रूट टू इतनी होती है। अब यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई डाउट है तो बता दो ना, नहीं है डाउट इसमें भी, चल फिर चलते हैं अगले। जोशी भाई तेरे को मालूम था बेटा मैं आ रहा हूँ, लेकिन तूने एक बार भी तेरे मुंह से नहीं निकला जो है, समझ गए ना, तेरे मुंह से नहीं निकला कि सर घर आ जाओ, घर में चाय पानी थोड़ा कुछ हो जाए जो है, हैं शाम को बैठेंगे तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो जाएगी जो है, हाँ समझ गए, लौटते मैं कार से आ गया, फिर मैं मेरा एक जूनियर मिल गया जो है,
पहचान भी तो इतनी है, क्या करूं जो है, पहचान से परेशान हो गया मैं। लौटते में जूनियर मिल गया, उसने कहा ट्रेन की टिकट, हाँ ट्रेन की टिकट कैंसिल कराओ, आनंद सर के वहाँ जो है ब्रेकफास्ट लेंगे। मैंने कहा मेरा एक स्टूडेंट भी रहता है वहाँ पे जो है, उसके साथ वहाँ लंच वंच ले लेंगे जो है, लेकिन तूने फोन ही नहीं उठाया बेटा जो है ना। तो ये है जो है, तो ये फोर्थ पॉइंट ये आ गया कह रहे जो है। अब चलते हैं अगली बार। सेवन पॉइंट, सुनो, अब ये तुम जानती हो टी इक्वल टू 2π/ओमेगा, और एफ इक्वल टू 1/टी। ओमेगा अपॉन 2π। हाँ यार क्या बताएं, ओमेगा इक्वल टू 2π f, ये कह रहे हैं। ये हो गया एट्थ पॉइंट। इंडिया में हमारी जो फ्रीक्वेंसी आती है घरों में बेटा एसी की, वो 50 हर्ट्ज आती है, ध्यान रखना। दूसरा, ई की जो आरएमएस वैल्यू होती है या वी की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो 220 वोल्ट होती है। पॉइंट समझ में आया? हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और आरएमएस जो वैल्यू आती है पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ की, वो आती है 220 वोल्ट। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, हाँ बेटा ध्यान रखना। देयरफॉर ई नॉट या वी नॉट कुछ भी कह लो, ये √2 × 220 हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट होती है करीब करीब, ये कह। अब चलते हैं नाइन्थ पॉइंट। मैंने तुमसे कहा कि ई या आई की चार वैल्यूज होती हैं, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो कौन सी वैल्यू होगी बताओ जो है। अगर मान लो मेंशन नहीं किया है तो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जरा बताओ, आरएमएस वैल्यू होनी चाहिए। इफ नॉट मेंशन, नॉट मेंशन देन इट इज आरएमएस वैल्यू। जैसे अगर मैं कहीं पे लिखता हूं 4 एम्पियर AC, इसका मतलब क्या हुआ बताओ जो है। अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है 4 एम्पियर AC तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आई आर एम एस ये 4 एम्पियर हो गए। हाँ तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, ये कह रहे। अब चलते हैं टेंथ। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें मैं 2 एम्पियर की डीसी फ्लो करवाऊं, लेकिन वो कांस्टेंट होती है डीसी, ध्यान रखना बेटा जो है। या 2 एम्पियर की आरएमएस एसी फ्लो करवाऊं, तो वो सेम पावर डेवलप करेगा। समझ में आया या नहीं आया बेटा ये बताओ।
तन में कोई एक रेजिस्टेंस है बेटा, जो है कोई एक रेजिस्टेंस है, उसमें तुम 2 एम्पियर की डीसी फ्लो करवाओ, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो गई, या 2 एम्पियर की आरएमएस एसी फ्लो करवाओ, तो उसमें जो पावर जनरेशन होगा वो सेम होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब जो मेन वैल्यू हो गई वो कौन सी वैल्यू हो गई, फिर से वो कर रहा हूं, इसका मतलब जो मेन वैल्यू हुई वो कौन सी वैल्यू हुई, मेन वैल्यू, हाँ मेन वैल्यू वो हुई आरएमएस वैल्यू। ये कह रहा है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं 10th 11th। डीसी ईएमएफ का ये सिंबल होता है, तो जो एसी ईएमएफ होती ना वो ये वाली होती है बेटा, जो है एसी ईएमएफ का ये सिंबल होता है। लेकिन बाय द वे कौन सी वाली एसी है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली बेटा जो है, साइनुसॉइडल। समझ गए ना, साइनुसॉइडल एसी ईएमएफ का ये सिंबल होता है। 12th, एक बात बताओ कि जो डीसी करंट होती है इसकी तुम डायरेक्शन शो करते हो ना, ये तो डीसी करंट की डायरेक्शन शो करते हो कि नहीं करते हो बेटा, जो है नहीं है। लेकिन जो एसी करंट होगी, सही जो आदमी होगा उसकी डायरेक्शन को शो नहीं करेगा बेटा, जो है समझ गए ना, डायरेक्शन नॉट शो। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है बताओ, जो है चेंज होती रहती है। तन्मय, समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा हूँ बेटा, जो है जो सही आदमी होगा ना, तेरे को अगर कोई सही आदमी मिलेगा बेटा जो है, वो कभी भी जो है एसी करंट की डायरेक्शन दिखाएगा नहीं जो है फिगर में। जैसे तू एक बार बता कि मान ले ये है और ये रेजिस्टेंस है, इसमें तो हम ऐसे करंट दिखा देंगे, ये आई हो गया। लेकिन अगर ये डीसी होगा तो बस ऐसे आई लिख देंगे, बस हो गया, केवल ये आई लिख देंगे। लेकिन जरूरी ये है कि आदमी सही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें जो है, समझ गया ना बेटा जो है। हाँ आदमी जो है इंपॉर्टेंट, आदमी सही होना चाहिए, बस वो ध्यान रखना उसका जो है। तो जो सही आदमी होगा वो एसी में कभी भी तुम्हें करंट की डायरेक्शन शो नहीं करेगा बेटा जो है। कहीं आदमी बेकार मिल गया तुम्हें जो है, तो पता लगा उसने डायरेक्शन दिखा दी बेटा जो है, ये कर। तो एक काम करते हैं कि अभी तक हमने जितने पढ़ा है उसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अले बेटा उज्जवल, तू क्या करेगा बेटा यार, एक तो ना तू विश्वास नहीं करेगा, इनकम टैक्स वालों ने इतना परेशान करके रख दिया है ना, मतलब ऐसा नहीं कि इनकम बहुत ज्यादा है, रोज जो है मैसेज आते रहते हैं, दिन में कम से कम 10 बार मैसेज आते हैं जो है, 10 टाइम्स जो है कि अबे इनकम टैक्स फाइल करने की, रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, लास्ट डेट 31 जुलाई है, इनकम टैक्स भर दो, इनकम टैक्स भर दो, दिमाग खराब कर दिया जो है। कम से कम दिन में 10 मैसेज आते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है, ये एक आई और ये टी है, पीयूष भी कह रहा होगा ना कि आज ये नया बच्चा है ना, पीयूष क्या बैठा जो है, वो भी कह रहा होगा कि खाली यार ये फालतू में पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं सर जो है ना, मैं तो सुना था कि सर बात ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ तो ये तो इधर उधर की पता नहीं, जो ये भी वैसे ही निकले जो है, ये सोच रहा होगा, ये कह रहा होगा ये भी वैसे ही निकले जैसे बाकी टीचर्स होते हैं। ये 10 है, ये
ये एम्पियर है, ये सेकंड है। अब बच्चे वाली चीज पूछता हुआ चलूंगा बेटा, ध्यान से देखना पहली बात। अच्छा ये एसी तो है लेकिन साइनुसॉइडल नहीं है, नॉट साइनुसॉइडल। सबसे पहली बात, अगर मैं तुमसे आई नॉट पूछ लूं इस ग्राफ में तो बताओ क्या होगा, क्या आंसर दोगे? बिल्कुल सही बात, सही आंसर 10 एम्पियर। अब चलते हैं दूसरी बात, अगर मैं तुमसे एवरेज वैल्यू ऑफ आई पूछूं तो तुम मुझसे ये कहोगे ना कि सर इंटरवल बताओ, ये कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ जो है, तुम मेरे से ये कहोगे ना कि इंटरवल बताओ जो है। हाँ तो एक बात बताओ कि जीरो से लेके 8 सेकंड तक कितना होगा, जरा बताओ एवरेज वैल्यू जीरो से लेके 8 सेकंड तक बताओ। इंटेलिजेंट हो गई ना तू तो बिल्कुल, जीरो से 8 सेकंड तक वो हो गई जीरो वैल्यू। अब दूसरी बात देखना, असली बात बेटा जो है, जीरो से लेके 2 तक या 2 से लेके 4 तक या 0 से लेके 4 सेकंड तक वैल्यू सेम आएगी, बताओ क्लियर है कि नहीं है? अभी कुछ देर पहले क्या बताओ, जीरो से लेके 2 तक, 2 से लेके 4 तक या 0 से लेके 4 तक सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बताओ जो है, बताओ। समझ में आ गया होगा, जीरो से 2 निकालू, 2 से 4 निकालूं या 0 से 4 निकाल दूं तो ये वैल्यू सेम आएगी। अब लेकिन कुछ बच्चों को भरोसा नहीं होता है, तन्मय तू क्या जानता है बेटा बच्चे कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। तू तो मेरा अपना वो है स्टूडेंट, तू तो मान लेगा बात कि सर जो कह रहे हैं जो है सही कह रहे हैं जो है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना उनको भरोसा नहीं होता कि सर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो फिर उनको प्रूव करके दिखाना पड़ता है जो है, समझिए ना, उनको मैं करता हूँ प्रूव करके जो है। अब जैसे देख तू जो है ये बता कि अगर मैं जीरो से लेके 4 तक करूं तो मैं एरिया अपॉन टाइम कर रहा हूं एवरेज वैल्यू, बता क्लियर है कि नहीं है, बता बता एरिया अपॉन टाइम करता हूं, बता क्लियर है कि नहीं बेटा, बता जो है क्लियर है ना। अब एरिया कितना हुआ देखो, हाफ बेस इनटू हाइट अपॉन टाइम का मतलब 4, तो ये 5 एम्पियर आ गई। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ना, 0 से 4 तक मैंने निकाला तो 0 ये इतना आ गया बेटा जो है, ये हो गया। अब सुनो, अब मैं 0 से लेकर 2 तक करता हूं तो फिर मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया आ जाता है एकदम से, समझ गए ना, मेरा दिमाग तुम जानते ही हो कि कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है बेटा जो है। तो 0 से 2 तक क्या होता है, मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया आ जाता है कि हाँ कि अरे यार ये तो लीनियर फंक्शन दिख रहा है जो है, समझ गए ना, मुझे ऐसा लगा कि ये तो लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे बता जो है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ आई फाइनल, अरे नहीं, प्लस आई इनिशियल अपॉन 2, ऐसा आइडिया आ जाता है मेरे दिमाग में, ये आ जाता है कि अरे ये तो आई फाइनल प्लस आई इनिशियल अपॉन 2 से भी हो सकता है जो है। अब आई फाइनल कितना हो गया देख, आई फाइनल हो गया 10 एम्पियर और आई इनिशियल थी 0 एम्पियर अपॉन 2, तो जरा देखना ये भी 5 एम्पियर आ गया, बता क्लियर है कि नहीं है, बताओ। समझ में आ गया ना कि अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ आई पूछूं तो इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्लोप से लेकिन मैंने कैसे अभी बताया कहां, स्लोप से भी निकाल तो सकता है वैसे, यहां पे तो आ जाएगा, तेरी बात तो आ जाएगी वैसे, तेरी बात आ तो जाएगी वैसे अभी जो है ना,
लेकिन वो अभी इसलिए आएगी, बात तेरी बात केवल इसलिए आएगी क्योंकि ना ये टू हो गया बेटा, चांस की बात है ये टू हो गया। अगर ये मान ले सिक्स हो जाता, यहाँ पे ये सिक्स हो जाता, फिर तेरी बात सही नहीं होती जो है, वो जनरल नहीं होता बेटा जो है, ये ध्यान रखना। अभी तेरी बात इसलिए सही हो गई क्योंकि यहाँ पे टू आ गया जो है, अगर वो सिक्स होता तो नहीं होता जो है। उज्ज्वल समझ में आया बेटा इसने क्या कहा और क्यों वो बात सही बैठ गई जो है, इसकी बात क्यों सही बैठ गई बेटा जो है, और वो जनरल क्यों सही नहीं बैठेगी जो है, ये कह ठीक है। बाकी इसमें एक और पार्ट रह गया, उसको करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके बाय एंड थैंक यू है। ओके बेटा।